नमस्ते योगी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं योगी अजीतानंद कृष्णा। आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन योग अभ्यास योगासन लेकर आया हूँ। दोस्तों, भारत ने सदा से हमेशा के लिए पूरे विश्व को ज्ञान का खजाना देते चला आया है। उसी ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान दिया पूरे विश्व को स्वस्थ निरोग और खुशहाल जीवन जीने के लिए, उसमें एक का नाम आता है योग, आयुर्वेद। योग आयुर्वेद से लोग अपने जीवन में प्राकृतिक से जुड़ते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ निरोग खुशहाल बनाते हैं। दोस्तों, अपने इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर हम चाहते हैं सुकून की, चैन की नींद सोएं, चैन से काम करें, सारे तनावों से दूर होते हुए स्वस्थ निरोग खुशहाल जिए, तो हमको योग को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। प्रत्येक दिन नियमित योग अभ्यास करने पड़ेंगे। तो उसी श्रृंखला में मैं आज आपके सामने एक बहुत ही विशेष योगासन लेकर आया हूं, जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को इंग्लिश में बोला जाता है कैमल पोज। जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में ऊंट लंबे तेजी गति के साथ दौड़ता चला जाता है। रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ऊंट को। वो हर परिस्थितियों में अपने आप को समाहित कर लेता है। तो उष्ट्रासन भी सेम, जब हम ऊंट आसन करते हैं तो हमारा शरीर ऊंट के समान बनता है, कैमल के समान बनता है। जो ऊंट के गुण हैं, ऊँट की खूबियाँ हैं, ऊँट के अंदर जो पावर है वो हमारे अंदर भी पैदा होती है। यह शरीर सारे समस्याओं से, प्रॉब्लम से लड़ने के लिए मजबूत होता है। उष्ट्रासन से आप मानसिक रोगों से निजात पा सकते हैं। उष्ट्रासन के अभ्यास से आपके अंदर पाचन शक्ति का विकास होता है। जब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं तो कमर के निचले हस की खिंचाव होती है, पेट के मसल्स पे खिंचाव होते हैं और पाचन शक्ति आपकी सुधरती है। उष्ट्रासन के अभ्यास से पेट के निचले हिस्से की चर्बी भी कम होती है, आपका पेट बेली फैट भी कम होता है। उष्ट्रासन के अभ्यास से कमर के निचले हिस्से की एक्स्ट्रा फैट दूर होती है, साथ में बैक पेन की समस्या भी दूर होती है। उष्ट्रासन रीढ़ की हड्डियों को लचीला बनाता है, बहुत ही प्रभावकारी करता है। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसको फ्लेक्सिबल लचीला बनाता है। उष्ट्रासन से आपके अंदर एनर्जी, पावर, ताकत की वृद्धि होती है। उष्ट्रासन से आपके मधुमेह, शुगर की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। उष्ट्रासन के अभ्यास से कब्ज जैसी समस्या से आप दूर हो सकते हैं। तो आइए हम उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं। उष्ट्रासन के अभ्यास से पहले कुछ सावधानियां हैं। आप जब भी उष्ट्रासन का अभ्यास करें तो प्रयास करें आपका पेट साफ हो या पेट खाली हो। सुबह अभ्यास करें तो शौच आदि से निवृत्त होकर इस आसन का अभ्यास करें। अगर शाम को अभ्यास करते हैं, सुबह समय नहीं मिल पाता, शाम को अभ्यास करते हैं तो प्रयास करें भोजन के 4 से 5 घंटे बाद करें। जैसे आपने दोपहर में भोजन किया 11 बजे 10 बजे, तब शाम को 4-5 बजे योग अभ्यास कर सकते हैं।
पेट आपका खाली रहे। तो आइए उष्ट्रासन हम करते हैं। उष्ट्रासन में दो प्रकार के उष्ट्रासन है, एक होता है अर्ध उष्ट्रासन, एक होता है पूर्ण उष्ट्रासन। तो हम आज आपको दोनों उष्ट्रासन करेंगे, उसके तरीका बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास। सर्वप्रथम आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन बैठने के लिए बिल्कुल सीधा, ऐसे स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी। तो हम पहला करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए कैसे, श्वास भरते हुए बिल्कुल सीधा होंगे, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, दाहिने हाथ से बाएं पैर, दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ लीजिए, अब बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी पकड़ लीजिए, श्वास भरते हुए जितना पीछे झुक सके झुकने का प्रयास करें, फिर श्वास छोड़ते हुए सीधा बैठ जाएंगे। शुरू शुरू में हो सकता है आप दोनों हाथ से पैरों की एड़ी न पकड़ पाए, तो कोई बात नहीं, प्रयास करें। शुरू शुरू में अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो आप आधा कर सकते हैं, ऐसे दोनों हाथ को कमर पर रखिए और श्वास भरते हुए पीछे झुकिए, ऐसे ये आप आराम से कर सकते हैं। फिर श्वास सामान्य स्थिति में आराम से बैठ जाएं, श्वास भरते हुए दोनों दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी पकड़ लें, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी पकड़ लें, याद रहे श्वास भरते हुए। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। एक बार और करेंगे श्वास भरते हुए, समान स्थिति में। जब आपका उष्ट्रासन अभ्यास पूरा आ जाए तो बैकवर्ड बेंडिंग के बाद से फॉरवर्ड बेंडिंग आसन जरूर करते हैं। तो एक बार शशांक आसन कर लेंगे, आराम से लेट जाएंगे। वापिस यह हुआ अर्ध उष्ट्रासन। अब अगला इसका अभ्यास है पूर्ण उष्ट्रासना, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, जिनका स्पाइनल कॉर्ड लचीला हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इसके अभ्यास आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ पूर्ण उष्ट्रासना कैसे करें। श्वास को भरते हुए दोनों दाहिने हाथ को पीछे ले जाइए, फिर बाएं हाथ को पीछे नीचे झुकिए, वापिस श्वास छोड़ते हुए आगे झुके, यह पूर्ण उष्ट्रासना। जब आपकी स्पाइनल लचीला हो जाए तब आप इसको कर सकते हैं। पहले दिन इसका अभ्यास करेंगे तो हो भी नहीं पाएगा, इसके लिए स्पाइनल लचीला होना चाहिए। तो अब कुछ सावधानियां बता देते हैं आपको। जब भी उष्ट्रासना का अभ्यास करें तो प्रयास करें आप सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर लें, शरीर आपका हीट हो, वार्म अप का अभ्यास कर लें। वार्म अप कौन कौन से वार्म अप करने हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर योग करने से पूर्व कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, वार्म अप करने चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस कर सकते हैं। जब तक शरीर लचीला ना हो, गर्म ना हो, तब तक आसन करने का सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। दूसरी सावधानियाँ क्या है, आपका पेट क्लियर साफ हो, सुबह जब करें तो शौच आदि से निवृत्त हो जाए, तब इस आसन का अभ्यास करें।
और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिनका हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, बीपी की समस्या है, वो उष्ट्रासन करने से परहेज करें। ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे पूरा विश्वास है आज का यह सेशन उष्ट्रासन करने के लाभ सावधानियाँ आपको अच्छा लगा होगा। नियमित करिए और अपने शरीर को स्वस्थ निरोग खुशहाल बनाइए। तो मेरे वीडियो को आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास से शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए करिए योग, रहिए निरोग, हमेशा मुस्कुराते रहिए।